हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, जो कि है 915 की स्ट्रेटेजी। 915 पर एग्जैक्टली आपने ट्रेड लेना है और विद इन 5 to 10 मिनट्स आपने प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है, और 9:25 तक आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर के मार्केट से निकल चुके होंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स भी बताऊंगा, और आपने उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उन्हें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के लेके जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ कि 915 पर हम ये ट्रेड लेंगे, लेकिन आपको पता ही होगा कि एक प्री ओपन सेशन होता है जो कि शुरू होता है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे से लेकर के 9:15 तक एक प्री ओपन सेशन होता है। अब इस प्री ओपन सेशन में क्या होता है, अगर कोई ट्रेडर अगर इस प्री ओपन सेशन में ऑर्डर्स लगाना चाहता है तो वो 9 बजे से लेकर के 9:07 तक ऑर्डर्स लगा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। 9:07 के बाद 9:15 तक नए ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं होते, कोई भी नया ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होता। और जैसे ही 9:15 होते हैं, वैसे ही जितने भी ऑर्डर्स लगे होते हैं वो सारे के सारे एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो शुरू होगी 9:07 से। ठीक है, हमने ट्रेड तो 9:15 पे लेना है, लेकिन हमने कुछ चीजें करनी है जो कि हम करेंगे 9:07 पे। तो अब आपने क्या करना है, आपने 9:07 से पहले ही आपने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करनी है, NSE की वेबसाइट। आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आप लिख सकते हैं प्री ओपन। आप यहाँ पे प्री ओपन लिखिए, और प्री ओपन में आप यहाँ पे देखिए www.nseindia.com, आप ये यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप इसको बुकमार्क करके भी रख सकते हैं इस पेज को। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये प्री ओपन मार्केट का पेज है NSE का। ये लिस्ट है उन स्टॉक्स की जिन स्टॉक्स में प्री ओपन मार्केट के टाइम पर ऑर्डर्स लगे हैं। 9:07 से पहले ही अगर ये पेज आपने ओपन कर दिया है तो 9:07 जब होंगे तो आपने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको जो शुरू के 5 स्टॉक्स दिखेंगे, यहाँ के 5 आप स्टॉक ले लीजिए, इसको आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट के जो 5 हैं आप उन्हें ले लीजिए। अभी शुरू के और लास्ट के 5 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इनका मतलब है कि इनमें परसेंटेज चेंज जो आया है वो सबसे ज्यादा है। आप यहाँ पे देखिए एशियन पेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज आया है 2.31, यहाँ पर विप्रो में सबसे विप्रो में उससे कम है, उससे कम कोटक बैंक में है, और इसी तरीके से सबसे कम, सबसे लास्ट में सबसे कम जिसमें चेंज आया है वो यहाँ पर है। अब ये चेंज किस टाइम आए हैं, ये आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो प्री मार्केट में जो ऑर्डर्स लगे हैं उनके बेसिस पे। तो हमने क्या करना है, शुरू के 5 स्टॉक्स यहाँ से ले लेने हैं और लास्ट के 5 स्टॉक्स यहाँ से लेने हैं। आप इनको नोट डाउन कर लो, या फिर आप सबसे बढ़िया आपके लिए होगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के रखिए। जैसे यहाँ पर मैंने डीमैट अकाउंट खोल के रखा हुआ है। अब आपने यहाँ के शुरू के 4 या 5, वो आपकी मर्जी है, आप शुरू के 4 उठा लीजिए यहाँ से, और लास्ट के भी 4 आप उठा सकते हैं, 4 या 5 आपकी जो मर्जी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एशियन पेंट, विप्रो, कोटेक और BPCL मैंने यहाँ पर उठा करके इनको, इनकी लिस्ट बना ली है मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे देखिए एशियन पेंट, विप्रो, कोटेक, BPCL शुरू के 4 मैंने लिए हैं, और नीचे के भी मैंने यहाँ पे लिए हैं, ONGC, हिंडालको, टाटा कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये देखिए ONGC, HDFC, हिंडालको, टाटा कंज्यूमर, ये मैंने लास्ट के 4 स्टॉक ले लिए हैं। उसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है, वो दूसरा काम आपने करना है कि आपने इन सब की यहाँ से डेप्थ नोट डाउन करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी डेप्थ नोट डाउन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन उस टाइम चेंज नहीं होगा, और आपने एग्जैक्टली 9:07 की ही डेप्थ नोट करनी है, 9:07 और 9:15 से पहले। 9:15 के बाद तो ये चेंज होना शुरू हो जाएगी यहाँ से डेप्थ, लेकिन 9:07 के बाद और 9:15 से पहले यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर ये डेप्थ रुकी हुई होगी। और आपने ये जो डेप्थ हैं, जो बायर्स और सेलर्स हैं, उनको भी आपने एक नोटबुक में, आपके पास एक पेन पेंसिल नोटबुक होगी, आपने उनको भी जल्दी से नोट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट में नोट डाउन किया है। वैसे तो मैं पेन पेंसिल रखता हूँ अपने पास और नोटबुक में नोट डाउन करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। जैसे कि एशियन पेंट के बायर्स उस टाइम 9:07 और 9:15 के बीच में, उसके मैंने ये नोट डाउन करे थे, एशियन पेंट के बायर्स इतने थे और सेलर्स इतने थे।
विप्रो के बायर जितने थे, सेलर जितने थे, कोटैक के इतने बायर सेलर्स थे, बीपीसीएल के, ओएनजीसी के, एचडीएफसी के, हिंडालको के, टाटा कंज्यूमर्स के, जेएसडब्ल्यू स्टील के, ठीक है। ये हमारे बायर्स और सेलर्स थे, ये आपने जल्दी से नोट कर लेने हैं। दोस्तों हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए हमने रेडी रहना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये नोट डाउन कर लिए। अब नोट डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर आपने ट्रेडिंग व्यू भी पहले से ही खोल के रखना है, ठीक है। आपने ट्रेडिंग व्यू का ही यूज करना है आगे आरएसआई के लिए, आपने आरएसआई भी नोट करना है, ठीक है। तो आरएसआई नोट करने के लिए आपने यहाँ का अपने डीमैट अकाउंट का आरएसआई यूज नहीं करना है, ठीक है। मेरे पास जीरोधा है, और जीरोधा आपके पास जो भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसमें मुझे आइडिया नहीं है कि क्या वो फैसिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, लेकिन जीरोधा में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो कि ट्रेडिंग व्यू में है, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू में क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंडेड आवर्स की फैसिलिटी है जो कि ट्रेडिंग व्यू में भी है, लेकिन आरएसआई का जो चीज मुझे चाहिए वो चीज उसमें मैंने नोटिस करी है कि वो चीज मुझे नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू का ही यूज कीजिए आरएसआई नोट करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को आपने पहले से 9:07 से पहले ही आपने ओपन करके रखना है, और इसमें आपने एक सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए सेशन को यहाँ पे RTH लिखा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यह है रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, अभी ये आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के बारे में ही बता रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में इसको चेंज करना है। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में यहाँ पर ये देखिए ये अब हमें एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स जो कि 9:15 से पहले जो ट्रेडिंग आवर्स मींस जो टाइमिंग थी 9 बजे से 9:15 तक उसके बारे में भी हमें बता रहा है, और यहाँ पर ये जब मार्केट क्लोज हुई थी 3:30 बजे उसके बाद भी जो एक्सटेंडेड आवर्स थे उनके बारे में भी हमें लेवल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स पे हमने यहाँ पे इसको इसकी सेटिंग को कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आरएसआई करना है, यहाँ इंडिकेटर्स में जाना है, ये यहाँ पे आपने RSI रखना है, और RSI में भी आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। RSI में आपने यहाँ पे सेटिंग में जा करके यहाँ पे आप जाएंगे स्टाइल्स में, और यहाँ पे RSI बेस्ड MA आप इसको अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। बस अब आपने यही सेटिंग करनी है, इसके अलावा आपने और कोई सेटिंग नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, अब हम मैंने आपको अभी बताया था कि आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है जितनी भी इनकी डेप्थ है, ठीक है। वो डेप्थ आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली इनकी, अब आपने इनकी आरएसआई भी नोट करने हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें करनी है, सिर्फ 8 मिनट हैं और बहुत सारी चीजें करनी है, तो ये आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, और मैं भी करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो मुझे ये उन 8 मिनट्स में ही ये सब कुछ करना है। अगर आपसे शुरू में जल्दी नहीं होता है तो आप यहाँ पे 3-3 स्टॉक भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपके जो 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 मैं आपको रूल्स कुछ बताऊंगा उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिलेगा या नहीं उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने इनको लिस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने बायर्स और सेलर्स को कर लेना है नोट डाउन, और उसके बाद आपने इन सभी के आरएसआई नोट डाउन करने हैं एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स में ट्रेडिंग व्यू के साथ, ठीक है। तो ये मैंने सुबह ये नोट डाउन करे थे, एशियन पेंट का 77 था, विप्रो का 65 था, कोटैक का 59 था, और इसी तरीके से बाकी सारे थे। अब हमने यहाँ पे हमें सारी चीजें मिल गई हैं जो हमें इस स्ट्रेटेजी को यूज करने में हेल्पफुल होंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मुझे इन ये जो मैंने 8 स्टॉक्स यहाँ पे रखे हैं, 8 स्टॉक्स जो मेरे पास हैं, इन स्टॉक्स में से मैं वो स्टॉक लूंगा, यहाँ पे आप देखिए इन स्टॉक्स में से मैं वो स्टॉक लूंगा जिसका RSI या तो 30 से नीचे है, RSI 30 से नीचे है, या फिर 70 से ऊपर है। जैसे कि यहां पर देखिए इसका RSI 77 है, ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका RSI ये देखिए यहां पर इसका 16 है, 26 है, 24 है, 28 है, 28 है। यहां पर ये स्टॉक्स मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, और जिनका 70 से अबव है, तो यहाँ पे 70 से अबव, यहाँ पर ये है 77, ठीक है। तो अब मैं इनको, इन स्टॉक्स को मैं लूंगा, और मैं इसको लूंगा, और इनको मैं, इनको 65, 59 और 63, इनको मैं ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। या तो मैं 70 से अबव वाले स्टॉक को लूंगा जिनका RSI 70 से अबव है, या फिर जिनका RSI 30 से नीचे है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो अब और उसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरे बायर्स
और सेलर्स। यहाँ पे मेरे अगर मैं 70 से अबव वाला स्टॉक देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे 70 से अबव वाला स्टॉक ये है, ठीक है, ये एंशियंट पेंट जो है वो उसका आरएसआई 77 है, मीन 70 से अबव है। अब मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये देखना है कि मेरे बायर्स और सेलर्स में से क्या मेरे सेलर्स ज्यादा हैं या कम है। अगर आपके सेलर्स ज्यादा हैं और अगर बायर्स कम हैं तो आपके लिए ये स्टॉक आपकी, आप इस स्टॉक को ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर जिसका आरएसआई बहुत हाई होता है, आपने अगर आरएसआई के बारे में पहले भी सुना है, ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो आरएसआई होता है, जिनका 70 से अबव आरएसआई होता है, उन स्टॉक्स के नीचे आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर आपने ये देखना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसका आरएसआई बहुत हाई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट आरएसआई जिसका होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन अब वो नीचे आएगा या नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको पता लगेगा कि उसके बायर्स या सेलर्स में से क्या सेलर्स ज्यादा हैं। अगर उन उसकी डेप्थ, अगर उसके सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, अगर उसके बायर्स कम हैं और सेलर्स ज्यादा हैं और उसका आरएसआई भी हाई है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे ही मार्केट 9:15 पे ओपन होगी, वैसे ही वो स्टॉक नीचे आना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए क्या आपकी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। आपका आरएसआई 70 से अबव है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपके सेलर्स भी ज्यादा हैं? क्योंकि आरएसआई हाई तो है, लेकिन अब आरएसआई हाई होने की वजह से स्टॉक नीचे आएगा, ये आपको कैसे लगेगा पता? ये लगेगा पता कि अगर आपके सेलर्स ज्यादा हुए तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 39,000 है और यहाँ पे 14,000 है, मीन्स आपके सेलर्स यहाँ पे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका आरएसआई हाई हो और सेलर्स भी बहुत ज्यादा हो, तो ये मेरा मेरा स्टॉक नहीं होगा जिसमें मैं ट्रेड करूंगा। बाकी ये जो स्टॉक्स हैं 65, 59 और 63 वाले, ये तो पहले ही मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब आ गए हमारे नीचे वाले स्टॉक्स। अब यहाँ पे आप देखिए ONGC है, ONGC का आरएसआई बहुत ही कम है। इसका आरएसआई है 16, मीन्स मैंने अभी आपको बताया 30 से नीचे है। 30 से नीचे जितने भी स्टॉक्स होंगे जिनका आरएसआई 30 से नीचे होगा, उन स्टॉक्स का ऊपर जाने का चांस बहुत हाई होता है। दोस्तों आरएसआई जो है, अगर 30 से नीचे होता है तो वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और जिनका आरएसआई 70 से अबव होता है वो स्टॉक नीचे आते हैं। लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमें डेप्थ भी देखनी पड़ती है। इसलिए अब मैं यहां पर, आप देखिए यहां पर मैं क्या देखूंगा, यहां पर इसका आरएसआई तो 30 से नीचे है, इसका मतलब है ये ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे लगेगा पता कि 9:15 पे ओपन पे मार्केट जब ओपन होगी तो ये ऊपर आएगा ही, तो वो मुझे पता लगेगा यहाँ पे डेप्थ से। आप देखिए इसके बायर्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, इसके बायर्स ज्यादा होने चाहिए तभी ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या इसके बायर्स ज्यादा हैं? 2,15,000 बायर्स हैं और 5,48,000 सेलर्स हैं। इसका मतलब है कि ये मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यहाँ पर मेरे बायर ज्यादा होने चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगला स्टॉक हम देखते हैं, यहाँ पे 26 है, ये भी 30 से कम है। क्या इसके बायर ज्यादा हैं? ये तो यहाँ पे आप देखिए इसके 72,000 बायर्स हैं और 32,000 सेलर्स हैं। ये स्टॉक मेरे लिए सबसे सही स्टॉक है, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये, ठीक है। ये स्टॉक मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आरएसआई इसका 30 से कम है, और जब 30 से कम होगा तो मुझे स्टॉक चाहिए जिसके बायर्स ज्यादा हों, ठीक है। तो इसके बायर्स भी ज्यादा हैं, ये मेरे लिए सही है। क्या कोई और ऐसा है इसके? अब इसका देखिए, ये भी, इसका भी आरएसआई 30 से कम है, लेकिन आप इसके देखिए 1,67,000 इसके सेलर्स हैं और बायर्स इसके कम हैं, ठीक है। इसके भी आप देखिए यहाँ पे 21,000 बायर्स हैं और 29,000 इसके सेलर्स हैं, मीन्स ये भी मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और इसके 28 हैं और 42,000 और 52, ये भी मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, मीन्स ना तो ये इनमें से कोई मेरी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ना ही ये और ना ही ये, ठीक है। और ये तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिए हैं। सिर्फ ये स्टॉक है जो कि मेरी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, HDFC। अब हम HDFC को देखते हैं, क्योंकि बाकियों को तो मैं रिजेक्ट ही कर दूंगा, मुझे उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। मुझे ट्रेड किस में लेना है? मुझे ट्रेड लेना है HDFC में, क्योंकि यहाँ पर इसका RSI 30 से बिलो है और अब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के लिए मेरे बायर्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज HDFC में क्या हुआ, एग्जैक्टली जैसे ही मार्केट ओपन हुई है वैसे ही। अब यहाँ पर मैंने HDFC ये ओपन कर रहा हूं मैं चार्ट। अब आप देखिए यहाँ पे
मार्केट किस टाइम ओपन हुई है, ये देखिए ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख का यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 9:15 एग्जैक्टली, आप यहाँ पे नीचे टाइमिंग देखिए, आप यहाँ पे नीचे टाइमिंग देखना, ठीक है, एग्जैक्टली 9:15 पे ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है, 9:15 पे, 6 जुलाई है आज, 9:15 पे ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है, और जैसे ही ये 9:15 पे ओपन होता है, ये देखिए ये सीधा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट में ये ऊपर गया, ठीक है, और कितना ऊपर गया है आप यहाँ पे देखिए, इसका प्राइस था 2185 और ये फर्स्ट कैंडल में ही 2206 तक गया है, ठीक है, और सेकेंड कैंडल भी इसकी ग्रीन है, थर्ड भी ग्रीन है, फोर्थ और फिफ्थ तक यहाँ पे, उसके बाद ये रेड हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया एंट्री कब लेनी है आपने, एग्जैक्टली 9:15 पे लेनी है। एग्जिट कब लेना है आपने, एग्जिट आपके आपने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, आपके फर्स्ट कैंडल आप देख लीजिए, आप अपने यहाँ पे जब आप इसमें ट्रेड ले लेंगे, उसके बाद आप HDFC की यहाँ पर डेप्थ भी ओपन करके रखिए, आपने यहाँ पर डेप्थ पे अपनी नजर रखनी है, अगर डेप्थ और ज्यादा मीन्स जैसे मुझे बायर्स ज्यादा चाहिए थे इसके, ठीक है, इसके बायर्स अगर बढ़ते गए और बायर्स बढ़ते गए और सेलर्स इसके इतने ज्यादा नहीं बढ़े, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट 5 मिनट को भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अब इसके बायर्स कम होने लग गए, तो आप जल्दी से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये ट्रेड फर्स्ट 5 मिनट के में या फिर विद इन 10 मिनट्स में आपने क्लोज करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये बाकी पूरे दिन के लिए स्ट्रेटेजी नहीं है, आपने ये स्टॉक पूरे दिन के लिए नहीं रखना है, आपने डेप्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है, अगर डेप्थ में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है आपने जल्दी से क्लोज कर देना है, बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप शुरू के 5 या 10 मिनट के बाद ही जल्दी से ट्रेड क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट कहीं को भी जा सकती है बाद में, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ट्रेड ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आप 9:15 के बेस पर ले रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जो ये स्ट्रेटेजी बताई है, इसका सक्सेस रेट अराउंड 80-85% रहा है, और मैं कंटिन्यूसली इस स्ट्रेटेजी का यूज करता हूँ, आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कीजिए, लेकिन पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पहले आप कुछ दिन इसी तरीके से नोट डाउन कीजिए, आप प्रैक्टिस बनाइए कि 9:08 से 9:15 के बीच में आपकी ये सारे के सारी चीजें आपकी नोट डाउन हो चुकी हो, आपके यहाँ पे स्टॉक्स नोट डाउन हो चुके हों, आपके बायर्स और सेलर्स भी नोट डाउन हो चुके हों, और आपका RSI भी नोट डाउन हो चुका हो, आपने एक्सेल पे नहीं बनाना है, आप पेपर रखिए, पेन रखिए, रेडी रखिए, सारी वेबसाइट्स ओपन रखिए, ट्रेडिंग भी ओपन रखिए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन रखिए, सारी चीजें, और जैसे ही 9:07 होते हैं जल्दी से स्टॉक्स को ऐड कीजिए यहाँ पे, और बायर्स और सेलर्स नोट कीजिए, और ट्रेडिंग व्यू से एक्सटेंडेड आवर्स का RSI नोट कीजिए, आपको RSI एक्सटेंडेड आवर्स का ही नोट करना है, ठीक है। तो ये चीजें आप 9:15 तक रेडी, 9:10 या 9:11 तक रेडी हो जाएं आपकी, मेरी हो जाती हैं इजीली, 9:10 या 9:11 तक बहुत इजीली रेडी हो जाती हैं सारी चीजें, और उसके बाद आपने रिजेक्ट करना है सबको, सिर्फ एक ट्रेड लेना है जिसका कि RSI या तो 70 से अबव हो और या 70-30 से नीचे हो, और साथ में आपको ये भी सपोर्ट कर रहे हो, अगर आपका 70 से अबव हुआ तो आपके सेलर ज्यादा होने चाहिए, अगर आपका 30 से बिलो हुआ RSI तो आपको बायर्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो अब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ रूल्स इसके नोट डाउन करे हैं, और दोस्तों आपको आपको यहाँ पे एक चीज अवॉइड भी करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अवॉइड करनी है, जिसका कि आपको नुकसान, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो, तो ये दो चीजें आपने अवॉइड करनी है, अगर डेप्थ इफ डेप्थ ऑफ इधर बायर्स और सेलर इज जीरो, तब आपने उसमें ट्रेड नहीं लेना, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिसके कि यहाँ पर बायर्स आपको दिख रहे हैं जीरो, सॉरी यहाँ पर आपको बायर्स दिख रहे हैं जीरो, जीरो जीरो बायर्स दिख गए, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सेलर्स 14,000, अब इसका RSI देखिए 77 है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे आएगा, आपने ये देखा कि बायर्स जीरो हैं और सैलर इसके 14,000 है, आप खुश हो जाएंगे कि वाओ ये तो बहुत बढ़िया है, बायर्स जीरो हैं, सैलर्स बिल्कुल ही, सैलर्स तो मैक्सिमम सैलर्स हैं, अब तो ये नीचे ही आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल नीचे ही आएगा, लेकिन ये जो नीचे आएगा आप इसमें फंस जाएंगे, आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये अपर ये लोअर सर्किट को टच करेगा, जब हमारे बायर्स जीरो होते हैं और सेलर्स मैक्सिमम होते हैं, तो
तो वो लोअर सर्किट को टच करता है, आपने वो ट्रेड नहीं लेना। उसी तरीके से अपोजिट भी हो सकता है, हो सकता है यहां पर आपके बायर्स ही बायर्स हों और सेलर आपके जीरो हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर तो ये ऊपर को ही जाएगा लेकिन ये ऊपर जाकर के अपर सर्किट को टच करेगा और आपने इसमें ट्रेड नहीं लेना। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपके जीरो की जगह बहुत ही कम हो, जैसे कि हो 1000, मान लीजिए कि 200, सिर्फ 200 यहाँ पर बायर्स हैं और सेलर आपके 14000 हैं, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि सेलर्स आपके 50000, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो जीरो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बायर्स और सेलर्स में। और जब ऐसा होगा तो ये भी मार्केट के 9:15 होते ही ये अपने लोअर सर्किट को टच कर देगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर जैसे 21000 है और यहाँ पर मान लो कि 200 हुए, ठीक है, बहुत अब यहाँ पर भी देखिए 200 हैं और यहाँ पर अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा ये, लेकिन ये 9:15 होते ही विद इन 5 to 10 seconds ये अपने अपर सर्किट को टच कर देगा। इसलिए आपने यहाँ पर ये मैंने आपको रूल्स कुछ बताए हैं और क्या चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर डेप्थ बायर या सेलर की जीरो होगी, उनमें से किसी एक की जीरो होगी, वो आपने अवॉइड करना है। और अगर बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तब भी आपने उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा जो रूल्स हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए। जैसे कि सबसे पहला रूल, ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये 5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम पर ही यूज होगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही यूज करना है। दूसरा, नोट डाउन द स्टॉक्स ऑफ टॉप 5 एंड टॉप बॉटम आफ्टर 9-7 AM, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। तीसरा रूल, यूज RSI ऑफ ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट विद एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स, और ये 9:07 से 9:15 के बीच में ही आपने करना है, 9:15 के बाद की ये स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ठीक है, जो भी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, 9:07 और 9:15 के बीच में ही आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, और साथ ही आपने नोट डाउन द डेप्थ ऑफ दीज स्टॉक्स फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर 9:15, और ये आपका केस बने अगर आपका RSI 70 से अबव हुआ और आपके मोर सेलर्स हैं बायर्स से, तो आपने ट्रेड लेना है सेल की तरफ को उसका। और अगर आपका RSI 30 से कम हुआ और अगर आपके ज्यादा बायर्स हैं सेलर्स से, तो आपने ट्रेड लेना है बाई का, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स आप नोट कीजिए और ये दो चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी है, इन दो चीजों को आप अवॉइड कीजिए। और आप इसमें 100% तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप इसमें पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको इसका कितना फायदा होता है। ठीक है, आपको एक सबसे बेस्ट स्टॉक आज यहाँ पर HDFC का मिला और उसको मैंने आपको दिखा भी दिया। आप यहाँ पे खुद सिलेक्ट कीजिए कौन सा सबसे बेस्ट स्टॉक है। हो सकता है कि आपको किसी दिन एक भी स्टॉक ऐसा ना मिले, तो प्लीज उस दिन इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जबरदस्ती यूज मत कीजिए। ठीक है, इसका यूज आपने तभी करना है जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रखी होंगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जबरदस्ती इसका यूज नहीं करना है कहीं पर भी। ठीक है, तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 ट्रेड्स मिल जाएं, जैसे मुझे आज तो एक ही मिला, वो सबसे बेस्ट था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपको एक भी ना मिले, और किसी दिन हो सकता है कि एक मिले, और किसी दिन ये भी हो सकता है कि 2-3 मिले। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपने इसका यूज किया, आपने इसका बेनिफिट उठाया। और अगर आपको कुछ और भी इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या फिर कुछ और चीज आपको पूछनी हो या फिर कुछ सजेशन देने हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।